अस्सलामुअलैकुम, न्यूज प्लस के साथ मैं हूं रुबाब बख्श और मैं हूं सैयद साद अली। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नायब वजीर आजम नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत के वार्निंग नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब उन्हें इश्तेहारी मुजरिम करार दिए जाने का इम्कान। आइंदा समाअत में नायब प्रोसिक्यूटर अदालती की हुकुम के तामील से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। वजीर खारजा खौजा हासिम ने अकामा केस में हाईकोर्ट के लार्जर बेंच की तशकील चैलेंज कर दी। खौजा हासिम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा कराते हुए मौके इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार ने अदालत से तमाम हकाइक छुपाए, जबकि लार्जर बेंच की तशकील से मुझे अपील के हक से महरूम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हदीबिया पेपर्स केस खोलने की अपील सुनने से माजरत कर ली, जिसके नतीजे में केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया और समाअत गैर मुअय्यन मुद्दत के तक मुलतवी हो गई। हदीबिया रेफरेंस खोलने की अपील की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी गयी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग का अहम इजलास आज हो रहा है। आज जाति उमरा में बड़ी सियासी बैठक लगी है और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सरबराही में पार्टी रहनुमाओं का इजलास उनकी मौजूदा सियासी रुख़ और शरीफ खानदान के खिलाफ नए प्रेफरेंसेस पर मुशावरत हो रही है। वजीर रेलवे साद रफीक का कहना है कि नए हल्का बंदियों में आसिफ जरदारी रुकावट बन गए हैं। सियासी लोगों की सियासी लड़ाई लड़ते हुए जाती लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। नई हल्का बंदियों में आसिफ जरदारी की पार्टी रुकावट बन गई है। आसिफ जरदारी का रवैया बहुत पुरइसरार है। इनकी पार्टी ने नजायज तरामीम की राह में भी रुकावट डाली हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक पॉलिसी वाज़े की है, जिसमें रियासी इदारों जैसे फौज और अंबिया से माजराई से ग्रोथ करने और अपनी सारी तवज्जो 2018 के आम इंतखाबात की मुहिम पर लगाने का फैसला किया गया है। कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से पार्टी की अगले क्यादत से गुफ्तगू। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की तस्वीर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से हटा दी गई। वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की तस्वीर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगाई गई थी। वजीर आजम की तस्वीर एयरपोर्ट के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंज से हटाई गई। तमाम इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोई भी वजह नहीं बताई। अली रजा अफ्ती का एम के पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान। अली रजा अफ्ती का कहना है सियासी और जाती वजूहत के बिना पर कौमी असम्बली की रुकनी छोड़ रहा हूँ। एम के एम के रुकने कौमी असम्बली सैयद अली रजा अफ्ती की आज स्पीकर कौमी असम्बली को अपना इस्तीफा भिजवा देंगे। अली रजा अफ्ती कराची के हल्का एम ए 251 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। पीपीपी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन ने फारूक सत्तार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। एमकेएम पाकिस्तान के सरबरा ने पीपी रहनुमा को दुखड़े सुनाए। इस मामले पर डॉक्टर आसिम को लेने के देने पड़ गए। पीपी रहनुमा फरियाद तारपुर ने इस पर नोटिस लेते हुए कहा है कि डॉक्टर आसिम ने फारूक सत्तार से मुलाकात पार्टी कायद को इल्म में लाए बगैर की, उनसे वजाहत तलब की जाए। ईरान और इराक के सरहदी इलाकों में 7.3 शिद्दत के जलजिले ने तबाही मचा दी। 250 अफराद हलाक और 1727 जख्मी। इतवार की रात ईरान और इराक के सरहदी इलाकों में जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजिले का मरकज इराक के शहर हिजरीजा के करीब 33 किलोमीटर गहराई में था। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और ज्यारत में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। Fast Bulldogs. Whoa.
crack. PSL में एक और संगीमी लबूत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने ड्राफ्टिंग से एक घंटे पहले ही फ्रेंचाइज मालिकान को पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल दे दिया, जिसके मुताबिक आइंदा साल टूर्नामेंट 22 फरवरी से शुरू होगा। इब्तदाई मैच दिफाई चैंपियन पेशावर जमी और कराची किंग्स के दरमियान होगा। PSL 3 के ड्राफ्टिंग तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन PCB नजफ शेट्टी का कहना था कि PSL 3 की ड्राफ्टिंग एक एजाज है। चौथी टीम PSL मुल्तान सुल्तान शामिल हो रही है। नजफ शेट्टी ने ऐलान किया कि PSL 2018 का फाइनल कराची में मुनक्किद कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsplus.com.pk। हमारे साथ रहिएगा।